होली की तैयारियां की जा रही है, चेयर्स वगैरह लाके रखी यहाँ पे। बस फिलहाल तो यही है, पर्दा बंद करते हैं। Well, hey guys, very good evening. स्वागत है आप सभी का एक और नए फ्रेश कुमार ब्लॉग में। तो गाइज, दुनिया कितनी खूबसूरत है, नहीं दुनिया बहुत खूबसूरत है। तो ज़रा देखो आप, जब मैं फैक्ट्री से आ रहा था तो दुनिया के इस खूबसूरत नज़ारे को जो मैंने आज अपने कैमरे में कैप्चर किया, तो आप लोग उस नज़ारे को देखो। तब तक मैं भगवान को ज़रा नमन करके आता हूँ। तो बस थोड़ी देर में आप लोग ज़रा उस नज़ारे को देखो, तब तक मैं यूँ गया और यूँ आया। तो देख लो, फिर उसके बाद मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में। सेट हो रहा था और उसका रिफ्लेक्शन बादलों में पड़ रहा था, ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो आज होली है कि धुलेटी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आज धुलेटी है और कल होली थी, तो एक्चुअली सूरत में भी कल होली मनाई, लेकिन एक दिन का गैप है, उसके बाद धुलेटी है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो भी है, जैसा भी है, कल सोसाइटी में फंक्शन है, यहाँ पे नीचे धुलेटी खेलेंगे लास्ट टाइम की तरह, जैसा लास्ट टाइम मैंने बताया था। शायद लास्ट टाइम मैं ब्लॉग नहीं करता था, मुझे पता नहीं है, कुछ पता नहीं। तो कोई नहीं, अभी काम करते, अभी सीधा मिलते हैं आपको कल सुबह नए दिन में। कल मेरी छुट्टी है, कल अच्छे से ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं कल, है ना पापा? आदिका, मैं इधर ही हूँ, इधर। चलो गाइस, कल मिलते हैं मॉर्निंग में। वेल, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज द नेक्स्ट वेरी ब्यूटीफुल डे। तो आज है धुलेटी, तो रोड जो है वो सारी शांत है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, रोड पूरी सी शांत है एकदम, इतना ट्रैफिक भी नहीं है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। और नीचे तो ऑलरेडी रात को फंक्शन था, तो संगीत था, तो ऑलरेडी गंदा तो हो ही गया है। लेकिन अभी सब लोग नीचे आएंगे सोसाइटी के, और यहाँ पे नीचे होली खेलेंगे। तो शायद आज मुझे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो होली खेलता नहीं, लेकिन चेहू खेलती है। तो मतलब चेहू के लिए मैं कल पिचकारी लाया, कल इसका फ़ोन आया था चेहू का कि पापा मेरे लिए वो बैग वाली पिचकारी लेके आना, कल नीचे बच्चे खेल रहे होंगे। चेहू ने देख लिया तो तुरंत मेरे को फ़ोन आया कि मुझे भी है ना बैग वाली पिचकारी चाहिए। तो एक्चुअली मैं इसके लिए लाने ही वाला था कल वाले दिन। तो फिर मैं बोला चलो, इसका फ़ोन आ ही गया चेहू का, तो फिर मैं लेके जाता हूँ, तो बैग वाली इसके लिए मस्त पिचकारी लेके आया। वो कल मैंने आपको दिखाया नहीं, तो ठीक है, बस फिर वही था कल का सीन। फिर आज होली है तो चेहू जाएगी नीचे, तो फिर मुझे भी जाना ही पड़ेगा, और इसी बहाने लोग मुझे भी रख देंगे। वैसे भी मैं 3-4 साल से होली खेल नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पसंद नहीं है, फेस्टिवल है पसंद है, लेकिन वो कलर में सब कहेंगे पक्के वगैरह कलर सब वो सब ऐसा कुछ पसंद है। तो बस ठीक है, फिलहाल आज का प्लानिंग ये, तो अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं। सो ब्रेकफास्ट लेने जाना पड़ेगा, छुट्टी है ना, नियम है हमारे घर पे, जब छुट्टी होती है या जब संडे होता है तब तो हमारे घर पे ब्रेकफास्ट बाहर से आता है, खमन ढोकला, यू नो, सूरत, गुजराती लोग, गुजरात में रह रहे हैं, गुजराती जैसे लोग। बस तो फिर ठीक है, फिलहाल नाश्ता पानी लेके आते हैं और उसके बाद मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में आप लोगों से। और कल वाला बाय द वे नीचे कमेंट्स करके बताने कि कल वाला जो मैंने आपको व्यू दिखाया था वो कैसा लगा। बस नीचे कमेंट कर देना, कमेंट करते नहीं और वीडियो भी पता नहीं देखते हो कि नहीं देखते हो। होली खेलने नहीं जाना है, क्यों डर लग रहा है बेटा आपको? ऑलराइट गाइस, तो हैप्पी होली, आज है होली, तो हम अपना यूज करेंगे ये वाला कवर, क्योंकि रंग उड़ेगा तो फिर ये वाला। और फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग होली खेलने जाएंगे। चिहू ने ये ड्रेस पहन लिया, मैंने भी ये ड्रेस पहन ली है, और एक कवर लगा देते गोप्रो पे ताकि जो है वो खराब ना हो इसके लिए। तो ये कवर लगा लेते, उसके बाद जाएंगे, ठीक है? कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करके आ जाओ, ऐसे ऊपर ऐसे।
होली खेल के हो चुका है और हमारे दोस्तों का अभी तक जारी है, वो लोग अभी तक लगे पड़े हैं। वो दिखाता हूँ आप लोगों को, तो इन लोगों का जारी है। मैं चेहू के बाद चलता हूँ, चेहू को वापस नीचे जाना है, तो चलो उसके बाद चलते हैं। आज तो यार घर बैठे बैठे घंटा ला रहा है, फैक्ट्री पे होता था टाइम पास भी होता है, यहाँ पे कुछ इतना टाइम पास होता नहीं। तो एक हेलमेट लेके आते, चलो चलो गाइस हेलमेट लेके आते हैं और फटाफट उसको फिटिंग करते हैं फटाफट से। बैठे बैठे ये तो काम करे, घंटा ला रहा है, वैसे भी घंटा लाता है बैठने में, ऐसे फालतू टाइम पास होता है। तो हमने इसको सेट किया है सुपर वाइड एंगल में। तो हेलमेट का काम जो है वो हो गया फिनिश, हेलमेट का हमने पूरा काम कर दिया है, माइक भी लगा लिया दोनों में और एमटी वाले हेलमेट में भी एमसील जो है चिपका दिए, तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिलहाल तो काम हो चुका है। और ये वाले हेलमेट में हमने जो है वो माइक सेटअप कर दिया, माइक सेटअप करना बाकी था, वो कर दिया और फिर उसके बाद एमटी वाले हेलमेट है, एमसील और माइक दोनों सेटअप कर दिए। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, होली का व्लॉग आई होप आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं हो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही आज शाम वाले व्लॉग में, आप लोगों के लिए तो कल आएगा मेरे लिए शाम वाले, ठीक है फिर, बाय बाय।